नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एंसेबल रूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये मेरा कंट्रोल नोड है, जैसे कि हर वीडियो में आप देखते हो, और मेरा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है ANS यूज़र, जिससे मैं लॉग इन हूँ अभी फ़िलहाल, उस एंड मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है ANS यूज़र में, एंसिबल बोल के, जिसमें मेरा इन्वेंटरी फाइल और एंसिबल कन्फिग फाइल सारा सब कुछ यहाँ पे है। तो रूल्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? तो रूल्स क्या होता है? एंसिबल रूल्स, एंसिबल रूल्स ये होता है कि आप कोई भी सपोज सिस्टम में या फिर कोई भी पैकेज हो, जो रूल रूल्स का पैकेज हो, आप रीयूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑटोमेशन टूल्स को आप रीयूज़ कर सकते हो। कोई ऑटोमेशन जो पहले से बना हो, उसको आप रूल्स के जरिए यूज़ करके उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, यम इंस्टॉल रेल का होगा। यस, ये है आपका पूरा पैकेज का नाम, रेल सिस्टम रूल्स डॉट नो आर्किटेक्ट। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे रूल्स, प्री डिफाइंड रूल्स आपको मिल जाएंगे, और इससे आप कोई भी रूल सिलेक्ट करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिलहाल आज का जो एग्जांपल है मैं दिखाऊंगा, टाइम सिंक। सपोज आपके पास एक NTP सर्वर है, और उससे क्या करोगे आप, और जितना भी क्लाइंट से उसमें सिंक कराओगे टाइम इसके हिसाब से। तो ये मेरा रूल्स इंस्टॉल हो चुका है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, USR एंसिबल, सॉरी, USR शेयर एंसिबल रोल्स। इस पे अगर आप जाओगे, या फिर जस्ट मैं आपको चेक कराता हूँ, ये सारे प्री डिफाइंड रूल्स हैं। जैसे कि आप देखो, नेटवर्क के लिए है, पोस्ट फिक्स के लिए, इसी लिनक्स के लिए, SSH के लिए, सारे रूल्स आप प्री डिफाइंड है, वो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं टाइम सिंक कर लूँगा, क्योंकि मुझे NTP सर्वर से जितना भी क्लाइंट्स है उसमें टाइम सिंक कराना है। तो उसके लिए पहले क्या करूँगा, मेरे जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उस पर मैं एक, हाँ ये पहले से बना हुआ है, रूल्स बोल के एक डायरेक्टरी, और सॉरी ये पहले से कॉपी किया हुआ था, जस्ट टू शो यू, मैं फिर से दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, जो टाइम सिंक वाला रूल है उस वो मैं कॉपी करूँगा, कहाँ से, USR शेयर एंसिबल रोल्स। तो इसमें से मुझे चाहिए ये वाला रोल, तो उसको मैं यहाँ पे जो मेरा करंट डायरेक्टरी है इसमें कॉपी कर दूंगा। फाइन, तो ये टाइम सिंक वाला रोल अवेलेबल है डायरेक्टरी। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये सारी चीज़ें, हैंडलर से, लाइब्रेरी से, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें। एनीवे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको, मैंने ऑलरेडी रूल कॉपी कर लिया यहाँ पे। अभी जो पेरेंट डायरेक्टरी है उस पे जाके मैं क्या करूँगा, एक प्ले बुक लिखूँगा, टाइम सिंक डॉट YML। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं, थ्री डैश और नेम, यहाँ पे नाम आप दे भी सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा। सपोज टाइम सिंक और NTP टाइम सिंक बिकम, मतलब मुझे जो ये, इसके लिए मुझे रूट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना रूट के आप कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉल अगर होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, होस्ट सारे होस्ट में करने हैं,
अभी क्या है, अभी सपोज मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ कुछ, तो टाइम सिंक एनटीपी, आपका प्रोवाइडर, और जो होगा वो क्रोनी होगा। यहाँ पे दो सर्विस है, एक तो एनटीपीडी सर्विस है और एक क्रोनी। तो आप कोई किसी भी मतलब कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्रोनी यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वेरिएबल है आपका होगा टाइम सिंक एनटीपी सर्वर, और यहाँ पे आपको सर्वर का डिटेल्स देना पड़ेगा। सर्वर्स ये जस्ट वेरिएबल है, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, बट मैं ये एक स्टैंडर्ड, अगर आप एनसीबल के एग्ज़ाम भी देते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि आप एनटीपी सर्वर से आपका जितना भी होस्ट है उसको सिंक कराओ, तो उस टाइम पे आप स्टैंडर्ड वे में आपको वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है, टाइम सिंक एनटीपी प्रोवाइडर या फिर एनटीपी सर्वर, आप अगर इस तरह से वेरिएबल लेते हो। देन जो है होस्ट नेम, जो होस्ट नेम होगा आपका एनटीपी सर्वर नेम होगा, तो मेरा कोई डीएनएस सर्वर है नहीं तो मैं आईपी दे दूंगा यहाँ पे, जो 128 मेरा, ये जो सर्वर, जिस सर्वर एनसीबल का जो कंट्रोल नोड है उसी को मैं एनटीपी सर्वर बना रहा हूँ। उसके बाद आप आई ब्रश दे सकते हो। ओके, अगर आप किसी को अगर आई ब्रश के बारे में पता नहीं, तो एनटीपी जब आप कॉन्फ़िगर करोगे एनटीपी सर्वर, जब आई ब्रश हम मेंशन करते हैं या फिर एनेबल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो सिंक होता है वो बहुत जल्दी इनिशियलाइज होता है। वो जो सिंक का जो टाइम है वो टाइम कम लेता है एनटीपी सर्वर के साथ जो सिंक। देन लास्टली टाइम जोन कौन सा लेना है, एशिया कोलकाता। ओके, एक चीज, ये जो वेरिएबल है उसमें डैश नहीं चाहिए, होस्ट नेम पे चाहिए, दैट्स फाइन। इसके इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ मैं। फाइन, देन नेक्स्ट, अभी क्या करूँगा मैं, रूल्स, अभी जो मुझे रूल्स डिफाइन करने होंगे, जो रूल्स होगा मैं क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा, जो मेरा प्री डिफाइंड रूल्स है ऑलरेडी, जो मैंने कॉपी किया है रूल्स डायरेक्टरी पे, ये मेरा प्री डिफाइंड रूल है, तो इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होगा टास्क, तो अभी मुझे ये सारे वेरिएबल्स हो गए, रूल्स को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँगा, टास्क लिखूँगा मुझे इम्प्लीमेंट क्या करना है। तो टास्क, सपोज टास्क का नेम, ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। देन उसमें टाइम जोन, टाइम जोन क्या है आपका, मॉड्यूल है, आप टाइम जोन मॉड्यूल ले रहे हो यहाँ पे, और देन आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, आपको टाइम जोन, ठीक है। तो ये मैंने जो मेंशन किया टाइम जोन एशिया कोलकाता, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है मुझे सारे सर्वर्स में, जितना भी मेरा क्लाइंट नोड है, और जो टाइम है वो सिंक करना है जो मेरा एनटीपी सर्वर है उससे, वहाँ से, करेक्ट। ये हो गया मेरा प्लेबुक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपल प्लेबुक टाइम सिंक सिंटेक्स चेक,
चेक करता हूँ कि सिंटेक्स करेक्ट है कि गलत है। ओके सिंटेक्स तो करेक्ट है, लेट्स रन। तो ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक बार टेस्ट करके देख चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले, तो शायद आपको जो मॉडिफिकेशन होगा जो येलो कलर का होता है वो कलर ग्रीन दिखेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो सिंक हो चुका है क्लाइंट्स के साथ। ओके ये इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, तब मैं दिखाता हूँ कि मेरा हाँ ये डिटेल्स कहाँ से आ रहा है जो मेरा होस्ट फाइल है। ये होस्ट फाइल का डिटेल्स कैसे आप बना सकते हो, वो इन्वेंटरी फाइल कैसे क्रिएट कर, उसका भी वीडियो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर में कार्ड में भी दिख जाएगा आपको। बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको ये शो करूँगा कि मेरा इन्वेंटरी फाइल क्या है और कहाँ पे मैंने डिटेल्स वगैरह लिखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और इस वीडियो से पहले आपको एंसिबल का लैब सेटअप एंड पूरा डिटेल्स, इन्वेंटरी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, प्लेबुक कैसे राइट करते हैं, सब कुछ डिटेल में वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो, उसके बाद ये चेक कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो जो गैदरिंग फैक्ट्स है वो ठीक है, उसके बाद उसने जो टाइम सिंक किया है वो सारे ग्रीन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक बार सिंक हो चुका है। एंसिबल फैक्ट्स यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, जो रूल मैंने यूज़ किया है जो प्री डिफाइंड रूल, उसमें एंसिबल फैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्जन वगैरह चेक कर रहा है, फिर सर्विस एनटीपी सर्विस अकॉर्डिंग जो मैंने वो किया है, यहाँ पे एंड टाइम सिंक सर्विस विथ फिल्टर्ड, ये कुछ एक वेरिएबल्स है, मतलब जो भी हो रहा है रूल्स में जो है प्री डिफाइंड रूल्स में, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो भी प्री डिफाइंड रूल्स पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है तो ये देखो सारे पास हो गए, जो सिंक मतलब जो वेरिएबल मैंने लिखा है वेरिएबल के अगेंस्ट में जो भी था वो सारे सारे सर्वर्स के लिए पास हो गए। यहाँ पे एनटीपी चेक किया, अगर क्लाइंट्स साइट पे अगर चेक इफ ओनली एनटीपी इज नीडेड, तो वही चेक किया सिर्फ सारे क्लाइंट पे, देन आपका या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है एनटीपी का, जो भी आपका सिंक वगैरह है, देखिए इंस्टॉल किया है क्रोनी इंस्टॉल किया, ये अभी ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार रन करा चुका हूँ, अगर नहीं करा था तो ये येलो कलर का आता ये, क्योंकि ये कॉर्नी ऑलरेडी इंस्टॉल है सारे सर्वर्स में, तो ग्रीन ही आ रहा है, ओके दिखा रहा है डायरेक्ट, मॉडिफाइड या अपडेट कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अगेन अब जितना भी देखो जो भी चीज़ ले रहा है वो रूल से ले रहा है, रूल में जो जो प्री डिफाइंड है वो सारे इम्प्लीमेंट मतलब चेक कर रहा है वो उस, और उसमें से आपको जो जो मतलब मैंने वेरिएबल में लिखा और मतलब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैंने जो जो मेंशन किया सिर्फ उसी को उठा रहा है, बाकी को स्किप कर रहा है। ये देखो स्किपिंग, ये सारे स्किप हो रहा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन यही चीज़ हो रहा है कि क्रोनी फाइल में जाके क्या करेगा, वो सर्वर का नाम या फिर क्लाइंट का नाम एंट्री कर, सर्वर में क्लाइंट का नाम और क्लाइंट में सर्वर का नाम एंट्री होगा, ये सारा चीज़ क्रोनी कन्फिग फाइल में भी जाके एंट्री होगा, ये जितना भी मॉडिफिकेशन हो रहा है मतलब जितना रिक्वायरमेंट है अपडेट नेटवर्क, ये देखो अपडेट हो रहा है। तो एनटीपी के लिए जो जो फाइल रिक्वायर्ड है वो सारे में जाके ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सर्विसेज को मतलब एनेबल किया है कि बूट टाइम पे एनेबल हो, ठीक है, देन टाइम जोन सेट हुआ है सारे सर्वर्स पे, और उसके बाद सिंक हुआ है, ओके है सब कुछ फाइन। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, रूल का यूज़ कर सकते हो, एंसेबल रूल का यूज़ करके आप एनटीपी सर्वर सेटअप कर सकते हो, मतलब एनटीपी सर्वर और उसका क्लाइंट में सिंक करा सकते हो ऐसे, जैसे कि आपका ये एनटीपी सर्वर हो जिस जो मेरा एंसेबल नोड है और सारे ये सारे क्लाइंट्स हैं मेरे और सारे क्लाइंट्स में जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये कहाँ से मिला, ये जो मेरी इन्वेंटरी फाइल है अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, इसमें पूरा क्लाइंट का डिटेल्स है, ठीक है, ग्रुप्स बना हुआ है, जब भी मैंने होस्ट्स पे ऑल लिखा है तो सारे क्लाइंट्स में इम्प्लीमेंट होगा, अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली डेव या टेस्ट पे लिखता तो पर्टिकुलरली उसी पे इम्प्लीमेंट होता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लाइंट्स हैं
उसको मैं लॉग इन करके देखता हूँ। मैं जस्ट टेस्टिंग फॉर पर्पस की हमने जो NTP सर्वर बनाया या NTP सिंक कराए वो पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। सॉरी crony.conf ओके। अब देखो सारे सर्वर में क्या हुआ, जो NTP सर्वर है उसका एंट्री यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, NTP सर्वर का एंट्री हो चुका है। तो ये क्या हम मतलब रिमोट से एंसिबल कमांड से आप रूल्स यूज करके ये कर सकते हो। सपोज आपको अगर आप टाइम चेक करोगे सी सोर्स, सॉरी सो यू आर सी एस सोर्सेस ओके। अगर आप चेक करोगे कि आपका सर्वर कौन सा है, ये देखो कंट्रोल नोट। कंट्रोल नोट क्या है, ये वाला हमारा जो NTP सर्वर हमने जिसको बनाया है कंट्रोल नोट, तो इसी से सिंक अभी तक सिंक हुआ नहीं है उस सम रीज़न से, वो हम मुझे चेक करना पड़ेगा ट्रबल शूट। बट ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अगर दूसरे नोट पे अगर आप जाओगे तो सोर्सेस ये देखो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए IP दिखा रहा है क्योंकि मैंने एंसिबल यूजर पे स्विच नहीं किया। अभी अगर देखता हूँ ओके, इसका मतलब इस सर्वर पे होस्ट फाइल में एंट्री है। हाँ, इसमें होस्ट फाइल में कंट्रोल नोड की एंट्री है, तो इसलिए नेम दिखा रहा है, बट बाकी सारे में नहीं है तो IP दिखा रहा है। इट्स फाइन। तो मैंने जो दिखाया रूल यूज़ करके, जो आप NTP इम्प्लीमेंटेशन करोगे और टाइम सिंक कराओगे, तो वो आप ऐसा कर सकते हो आपका कंट्रोल नोड से सारे आपका जितना भी 100 हो 1000 जरूर में कर सकते हो। और ये बाई डिफॉल्ट आप देख रहे हो जो उसका सोर्स हो रहा है कि कहाँ से ले रहा है, कंट्रोल नोड से ले रहा है सभी सर्वर्स पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लोगों को मिलता रहे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।